नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। AIMIM के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने बीजेपी की सस्पेंड नुपुर शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। इम्तियाज जलील ने नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इम्तियाज जलील ने कहा कि नुपुर शर्मा को औरंगाबाद के चौक पर सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि AIMIM के चीफ ओवैसी ने इस टिप्पणी को लेकर इम्तियाज से किनारा कर लिया है। ओवैसी ने कहा कि यह टिप्पणी जो है स्टैंड नहीं है, औरंगाबाद में ये जो टिप्पणी दी गई है यह किसी प्रकार का पार्टी का स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को कानून के अनुसार ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसको सभी को मानना होगा। इम्तियाज जलील कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है और ये भी सच है कि यहाँ लोग नाराज हैं और नुपुर शर्मा को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। अगर नुपुर शर्मा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इम्तियाज जलील यह भी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म संप्रदाय या फिर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी देता है या बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो फिर इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और केवल नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड किया जाना ही काफी नहीं है। ये बयान है इम्तियाज जलील का। वहीं ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी को भी हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही पुलिस को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए कि एक टीवी बहस के दौरान शर्मा की टिप्पणियों के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं की, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें इतने दिनों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको कौन रोक रहा है? इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।